गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। कैलकुलेशन ऑफ द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। देर आर टू बॉडीज ऑफ मास m1 m2 वेलोसिटी u1 u2 बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन द बॉडीज हैव वेलोसिटी v1 v2 मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन। टॉपिक जो है हम इसमें वही पढ़ रहे हैं, वही चल रहा है तलवार है। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन हो रहा है बॉडीज के अंदर और वन डायमेंशन क्या कर रही है, बॉडीज आपकी मूव कर रही है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, भाई कोलिजन के बाद किस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है वो हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब उसी का आगे पार्ट इसमें दिया स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस कि पहला केस इसमें दिया हुआ है। स्पेशल केस में हम इसमें मान के चल रहे हैं यदि दोनों बॉडीज का मास इक्वल हो। व्हेन फर्स्ट केस इसमें दिया हुआ है व्हेन मासेस ऑफ बॉडीज आर इक्वल। मासेस ऑफ बॉडीज आर इक्वल यदि उन बॉडीज का मास क्या है इक्वल है, दैट इज m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो। वेलोसिटी v1 v2 जो भी आपके आए तो वो आप कोई भी इक्वेशन डाल सकते हो, मैंने इसको फर्स्ट सेकंड डाला है। दोनों बॉडीज का मास इक्वल है, एम कर दिया, इसमें पुट कर दो। देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पुट करना इसके अंदर। v1 वेलोसिटी केस में आपकी क्या आएगी, v1 आएगा m-m इनटू u1 और m+m टू m जीरो है एक प्रकार से प्लस 2m U2 by 2m इससे कट जाएगा। तो V1 जो है किसके बराबर आएगा, इस केस में U2 के बराबर आएगा। V1 जो है किसके बराबर आ गया, U2 के बराबर आ गया। तो यहां से इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी A आफ्टर कोलिजन, मतलब एक बॉडी की वेलोसिटी जो होगी कोलिजन के बाद वो किसके बराबर आएगी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बी बिफोर कोलिजन। यदि हम दोनों बॉडीज का मास बराबर ले तो जो फर्स्ट बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद किसके बराबर होगी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बी बिफोर कोलिजन। ऐसे सिंपल कर दो, v2 बराबर क्या होगा 2m u1 बाई m+m, भाई m+m 2m हो गया, ऐसे ये भी आपका जीरो हो जाएगा, इससे कट जाएगा। तो v2 इज इक्वल टू ये आपका इस केस में क्या आएगा, u1 आएगा। तो यहां से इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बी आफ्टर कोलिजन किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ए बिफोर कोलिजन। मतलब ये हुआ दो बॉडी आपस में कोलाइड करती है तो बी बॉडी की जो वेलोसिटी जो होगी कोलिजन के बाद किसके बराबर होगी, वो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ए बिफोर कोलिजन। पहला केस तो आपका ये था। सेकंड केस इसमें हम ये मान के चलते हैं यदि व्हेन द टारगेट बॉडी, व्हेन द टारगेट फ्रॉम ई वन जिससे बॉडी आपकी कोलाइड हो रही है, टारगेट बॉडी इसका नाम कौन सी होगी, बी होगी। व्हेन द टारगेट बॉडी बी इज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट दैट इज u2 जो है वो कितना होगा आपका जीरो। टारगेट बॉडी जो है ना
दूसरी बॉडी जो है इसका मतलब वो रेस्ट में है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। टारगेट बॉडी रेस्ट में है इसका मतलब यूट्यूब की वेलोसिटी जीरो है, तो उस केस में इक्वेशन क्या होगी बताओ, फर्स्ट और सेकंड। वी वन इज इक्वल टू आ जाएगा एम वन माइनस एम टू इंटू यू वन बाई एम वन प्लस एम टू। तो यदि बॉडी का हमें मास पता है और यू वन बॉडी ए वेलोसिटी के सोलो बॉडी ए की सोलोसिटी से मूव कर रही है, तो कोलिजन के बाद ए बॉडी की वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यही आएगी। ये टारगेट बॉडी रेस्ट में उस केस में। सेकेंड की बात करते हो तो V2 क्या होगा, V2 होगा 2 M1 U1 by M1 plus M2। यदि आपकी B बॉडी रेस्ट में होगी तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी A आफ्टर कोलिजन एंड वेलोसिटी ऑफ B आफ्टर कोलिजन ये होगी दोनों, तो ये तो आपका U2 जीरो हो जाए, ठीक है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है, वो आपको कंप्लीट हो गया। अलग अलग पार्ट्स थे इसके, वो आपने मैंने आपको करवाए। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया हुआ है परफेक्टली perfectly inelastic collision in one dimension। perfectly inelastic collision in one dimension इसका मतलब inelastic collision है, एनर्जी का आपका लॉस होगा और कोलिजन के बाद बॉडी मूव कैसे करेगी, आपकी वन डायमेंशन मूव करेगी। तो इसके अंदर हमें कैलकुलेट करेंगे जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो एनर्जी का लॉस भी होता है, ये भी हम प्रूव करेंगे। तो डायग्राम हमने लिया हुआ है, बॉडी ए ले रखी है जिसका मास एम वन है और जिसकी वेलोसिटी हमने रखी है यू वन, जिसकी वेलोसिटी हमने क्या ले रखी है यू वन, और दूसरी बॉडी जो है दूसरी बॉडी बी जो है जिसका मास एम टू है ये आपकी रेस्ट के अंदर है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी आपकी जीरो होगी। ये कंडीशन हमने ली हुई है बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन, कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज जो है सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है। ए बॉडी है ये बी बॉडी थी आपकी, इसका मास एम वन इसका मास एम टू इसकी वेलोसिटी भी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन देयर आर टू बॉडीज। ये फिगर जो आपका है परफेक्टली इन लास्ट कोलिजन को आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देयर आर टू बॉडीज एम वन एम टू जिसका मास है, बी बॉडी जो है आपकी रेस्ट के अंदर है और आफ्टर द कोलिजन बोथ द बॉडीज मूव विद द सेम वेलोसिटी v। आपका इनलास्टिक कोलिजन है एज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इसका लीनियर मोमेंटम जो है हम जानते हैं वो आपका कंजर्व्ड होता है, इसका मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके बराबर होगा, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन से पहले मोमेंटम है तो क्या आएगा, इस बॉडी का मास एम वन प्लस टू यू वन, दूसरी का मोमेंटम जीरो जाएगा,
इसकी बात करते हो, तो मोमेंटम क्या आएगा, एम वन वी प्लस एम टू वी। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, इसका मास एम वन वेलोसिटी वन, इसकी वेलोसिटी नहीं है तो जीरो कर दिया, इसको मैंने लिखा ही नहीं। इसका मास एम वन वेलोसिटी वी, इसका मास एम टू वेलोसिटी वी, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, ये आपका आएगा एम वन यू वन इज इक्वल टू, वी कॉमन आ जाएगा, एम वन प्लस एम टू। यहां से वेलोसिटी जो है ये दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड करती है, तो किस वेलोसिटी से बॉडी मूव करती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी, ये वी इज इक्वल टू आपका क्या है, यहां से एम वन यू वन बाई एम वन प्लस एम टू। यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन, यदि इफ यू नो वी इफ यू नो द वैल्यूज फॉर एम वन एम टू एंड यू वन। इसके अंदर हम ये जानते हैं कि एनर्जी का लॉस होता है, लॉस होता है नहीं होता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, वी कैन कैलकुलेट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसमें हेडिंग डाल रहा हूं मैं, वी कैन कैलकुलेट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो आप मुझे बताओ टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बता सकते। इसको मैं ईवन ले लेता हूं, इसको नाम डाल दिया मैं ईवन, सपोज बता सकते क्या आएगी कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, पहली बोलेगी हाफ एम वन यू वन स्केयर, और दूसरी कितनी आएगी जीरो, बट दूसरी बोर्ड रेस्ट के अंदर है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। क्यों इसकी बात करो, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, इसको ई टू लिखा हुआ है, तो यहां टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन किसके बराबर आएगी, पहली बॉडी का मास एम वन हाफ ऑफ एम वन वी स्क्वायर, इस बॉडी का मास हाफ ऑफ एम टू वी स्क्वायर, ये तो आएगा हाफ वी स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या रहेगा एम वन प्लस एम टू, और वी स्क्वायर अभी आपने निकाला था, वी की वैल्यू क्या आई थी भाई, आपका ई टू इज इक्वल टू आएगा हाफ, और वी स्क्वायर की वैल्यू अभी आपकी आई होगी एम वन यू वन बाई एम वन प्लस एम टू, इसका होल स्क्वायर, ये तो आया होगा, ये आएगा आपका हाफ, वी की वैल्यू ये हम जानते हैं पीछे भी निकाली थी हमने, इन टू एम वन प्लस एम टू। यहां से एक से कैंसिल हो जाएगा, क्यों ई टू जो आएगा वो आ जाएगा क्या एम वन स्क्वायर यू वन स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ एम वन प्लस एम टू, एम वन स्क्वायर यू वन स्क्वायर बाई एक एम वन प्लस एम टू आएगा, टू यहां पे है बाहर आई, तो इक्वेशन ये सेकंड आ गई और इक्वेशन आपकी फर्स्ट थी। हमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालना है, तो ई वन में से ई टू घटाओ फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, मिटा रहा हूं तो सिंस वी हैव टू कैलकुलेट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देन ई वन माइनस ई टू, ई वन की वैल्यू क्या थी हाफ ऑफ एम वन यू वन स्क्वायर माइनस ई टू, ई टू ये रहा एम वन स्क्वायर, एम वन स्क्वायर यू वन स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ
एम वन प्लस एम टू, यही तो आएगा। इसको हम सोल्व कर रहे हैं एलसीएम ले रहे हैं, इसका एलसीएम आएगा ट्वाइस ऑफ एम वन प्लस एम टू, ये से कट जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एम वन प्लस एम टू इंटू एम वन यू वन स्क्वायर माइनस एम वन स्क्वायर यू वन स्क्वायर, ये रहेगा ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, देन ई वन माइनस ई टू इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे एम वन स्क्वायर यू वन स्क्वायर प्लस एम वन एम टू यू वन स्क्वायर माइनस एम वन स्क्वायर यू वन स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ एम वन प्लस एम टू, ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, कट जाएगा, कट जाएगा कि यहां से ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, एम वन एम टू यू वन स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ एम वन प्लस एम टू, जो स्केयर क्वांटिटी आ रही है, स्केयर में आ रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा, ये विच इज पॉजिटिव, विच इज पॉजिटिव होगी, इसका मतलब ये वैल्यू, ये वैल्यू किस में आएगी आपकी, पॉजिटिव में आएगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ई वन माइनस ई टू जो है वो हमेशा जीरो से क्या होगा, ये वैल्यू स्केयर क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब जीरो से ज्यादा ही होगी, इसको इधर ले लो, ई वन आपका ज्यादा है किससे, ई टू से ज्यादा है ना, इसका मतलब हैंस सम लॉस ऑफ एनर्जी, सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इवन एनर्जी थी आपकी कोलिजन से पहले, कोलिजन से पहले, और ई टू कौन सी थी, कोलिजन के बाद, इवन आपका ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर कुछ एनर्जी का आपका लॉस होता है, ये हमने प्रूव किया है, ई वन आपका ज़्यादा आ रहा है किससे, ई टू से, ई वन ज़्यादा आ रहा है ई टू से, इसका मतलब एनर्जी का लॉस आपका होगा। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर हम करते हैं, बाकी अगला टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसको हम कल कर लेते हैं, ठीक है, आप इतना ही करो आज के लिए, बाकी इसको कल करेंगे, थैंक्स।